सोचो, देखो मेरे पास ये दो वस्तुएं हैं, कैसी दिखाई देती हैं आपको? दोनों का एक ही आकार है ना, दोनों लगभग आयताकार हैं। और ये पुस्तक कैसी है फिर? क्या इस पुस्तक में इसमें क्या अंतर है? चलो आज इसी अंतर को देखते हैं, आकार और वस्तुएं। ये आकार हैं और ये वस्तुएं हैं। इसको अगर हम ऊपर से देखें, आपकी तरह ऊपर से देखें, तो ये आयताकार दिखाई देती है ना, परंतु ये वस्तु है हमारे पास, किताब है। अगर हम इधर से देखें तो कैसी दिखाई देती है? देखो इसमें ऊंचाई भी है, इसमें तीन चीजें आ गई ना हमारे पास। देखो, तो लंबाई, एक चौड़ाई और एक इसकी मोटाई, पुस्तक की मोटाई। इस प्रकार इसमें तीन चीजें आ गई ना हमारे पास। तो आज हम इसी प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, ये कैसी वस्तु है? गोलाकार, ये रही वृत्ताकार, इसको वृत्त भी कह सकते हैं। और ये वर्ग है, ये वर्गाकार। ये तो पहले ही परिचित है बिना आकृतियों के बारे में तो, परंतु आज हम आपको ठोस आकृतियों के बारे में बताते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, पूरी देखनी है। देखो मेरे पास क्या है, गेंद। और गेंद में और इसमें कोई अंतर है क्या? देखो गेंद तो पूरी ठोस है, अंदर से भी इसके कुछ अंदर भी भरा हुआ है इसके, तो इसे गोला कहते हैं। और ये वृत्त है हमारा, देखो ये रहा, ये वृत्त और ये गोला। तो ये गोला हमारे पास, ये रहा, गेंद जैसी वस्तुएं, इस तरह की वस्तुएं जो होती हैं हमारी, उनको हम गोलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उनको? हम गोलाकार। पहली हमारी टर्म यही आती है। इसमें आपके आसपास और कौन कौन सी वस्तुएं हैं? जैसे कि हलवाई की दुकान में लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इसी प्रकार की और गेंद जैसे, और भी अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। टमाटर सब्जियों में बहुत है हमारे पास, अमरूद, आलू, चीकू, बहुत सारी वस्तुएं हैं। आप ढूंढ ढूंढ कर अपने गणित की पुस्तक, वस्तुएं कुछ ऐसी दिखती हैं कि पेज 47 पर एक्टिविटी करें और लिखें। चलिए ये कैसी वस्तु होगी आपकी? गोलाकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? स्फीयर। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में इस गोल वस्तु को हम स्फीयर कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, आपके पास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं तो इस वस्तु गोलाकार, इंग्लिश में स्फीयर। इन वस्तुओं का एक अलग ग्रुप बनाना है और वर्गीकरण करना है, वस्तुओं के आपने नाम लिखने हैं। चलिए दूसरी टाइप देखते हैं। इस बॉक्स जैसी वस्तुएं आपके आसपास बहुत सारी हैं। देखो ये बोर्ड भी इसी प्रकार का है, ये बॉक्स, आपकी मम्मी का संदूक, और क्या क्या है सोचो। हलवाई की दुकान में बर्फी, आपकी चॉकलेट, और सोचो क्या है, सोच सकते हैं आप, बहुत सारी वस्तुएं हमारे आसपास। ये आपकी पुस्तक, ये भी तो ऐसी ही है, चौक का बॉक्स, चौक का डिब्बा, या ये डिब्बा, कितने ही डिब्बे हमारे पास होते हैं जो सभी इसी आकृति के हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं? घनाभाकार। क्या कहते हैं बच्चों इनको? हम घनाभाकार। ये इस प्रकार जो नीचे इसके एक आयत होती है, ये आयत के ऊपर एक थोड़ी सी इसकी मोटाई, या इसको मोटाई कह सकते हैं हम, इसके बना के इस प्रकार बॉक्स बना देते हैं। नीचे इसका, नीचे से कैसे ऊपर से कैसे दिखेगी ये? ऊपर से तो आयताकार दिखाई देती है ना, ये नीचे से भी, इधर से देखो, इधर से इसके अलग अलग तल दिखाई देती हैं, ये कई भाग दिखाई देती हैं। इनके बारे में हम आपको डिटेल से भी बताएंगे, बीस आकृति की क्या है, इसका कैसे वर्णन। आप यहाँ इतना समझें, इसको घनाभाकार कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्यूबॉइड कहते हैं। आप अपनी बुक के आधार पर अपने आसपास की वस्तुओं में से वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आपका दरवाजे का जो गेट है वो भी घनाभाकार है, लकड़ी का भट्टा है, या ऐसी और बहुत सारी वस्तुएं आपके पास पाई जाती हैं। उसके बाद अगले देखिए, कुछ ऐसी वस्तुएं भी आपके आसपास होती हैं, ये दूध मापक यंत्र है, या आपकी मम्मी रोटियां बनाती है, बेलन कहते हैं जिसको हम, तो उस बेलन से ही इसका नाम बेलनाकार वस्तुएं पड़ा, इस प्रकार की वस्तुएं। या ये देखो, ये इस प्रकार की वस्तुएं, या देखो ये पेन स्टैंड बनाया कागजों से, आप इस पेन स्टैंड को बना सकते हैं। इन वस्तुओं को हम बेलनाकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इनको? हम बेलन। और इंग्लिश में सिलेंडर, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? गैस सिलेंडर, देखा ही होगा आपने, वो सिलेंडर वहीं से बनाइए। ये इस स्पेशल एक अलग आकार है इसका, ये देखो इस जैसा आकार, सिलेंडर जैसा आकार, इनको हम बेलनाकार कहते हैं। ये मैंने आपके यहाँ लगाई भी हुई है, नीचे से कैसे दिखाई देती है? ऊपर से देखेंगे तो गोलाकार दिखाई देती है, वृत्ताकार, ये ऐसी दिखाई देती है, ऐसी बनेंगी। अगर ऊपर से देखें ना, आपकी तरफ से देखें, ऊपर से देखेंगे आप तो ऐसी दिखेगी, केवल एक वृत्त जैसे दिखेगी। उसके बाद अगले टाइप देखते हैं हम, नंबर चार पे, ये बर्थडे कैप देखी ही होगी आपने, इसको लगा भी सकते हैं ऐसे, बर्थडे कैप बन गई हमारी सुंदर सी, है ना? तो ये बर्थडे पे डालते हैं ना, बड़े इंजॉय करते हैं। तो ये किस आकार की है? अलग आकार की है, देखो ऊपर से, ये ऊपर से नोकदार है, नीचे से खुली है, तो इसे कहते हैं कोन, इंग्लिश में कोन कहते हैं, और हिंदी में इसका नाम है शंकुआकार। आप सॉफ्टी खाते हैं अपने आसपास, सॉफ्टी खाई है सॉफ्टी आपने?
सॉफ्टी तो खाते ही होंगे ना, सॉफ्टी भी शिकार की होती है। और देखो ये अनार बम, दिवाली आती है तो आप अनार बम जलाते हैं ना, बड़ा सेफ होता है, तो ये भी इसी घर का है। ये कैसे घर हो गया, शंकुआकार, शंकु के घर का। और मिस्त्री जो तो सैल होता है मिस्त्री का, जिससे दीवार सीधी देख सीधाई देखता है दीवार की, वो भी इसी घर का होता है। इन आकार को हम शंकुआकार कहते हैं और इंग्लिश में इसको कोन कहते हैं। एक अलग आकार आ गया आपका, देखो ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है इसमें उसमें थोड़ा अंतर है, इस आकृति में और इस आकृति में थोड़ा सा अंतर है। देखो ये यहाँ पे बना रखे, ये बना रखे, ये देखो इसमें ध्यान से देखो यहाँ पे ये और ये क्या अंतर है इसमें। अब देखो इस आकृति को देखो, अब तो ये घन, ये इस आकार की घनाभाकार, और जब इसके ऐसे करके ऐसे बना देंगे ना, ये क्या बन गया, ये घन बन गया, घनाकार। जैसे आपकी डाइज होती है, जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते जब चलते हैं पासा, ये देखो ये पासा आपका है ना, ये पासा, ये घन का कारक है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ये देखो ये रहा हमारा, इसमें ये भुजा और ये भुजा, लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। जबकि इस बॉक्स में थोड़ा फर्क है, इसमें ये थोड़ी बड़ी होती है और ये अलग होती है, ये अलग, तीनों अलग अलग हो सकती हैं या कोई दो बराबर भी हो सकती हैं, परंतु इसमें तीनों बराबर होती हैं, तो इसको हम कहते हैं घनाकार, ये क्यूब के आकार की वस्तुएं। इस प्रकार आप अपने आसपास की वस्तुओं को इन वस्तुओं में वर्गीकृत करें और अपने आसपास की वस्तुओं से पांच पांच वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं और अपने बुक में से काम करें। धन्यवाद।